क्वेश्चन ये है कि क्या बूस्टिंग एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू न्यूरल नेटवर्क कैन बूस्टिंग एल्गोरिथम्स बी बेटर देन न्यूरल नेटवर्क्स अब इस क्वेश्चन को समझ के आंसर करने के लिए आपको कई चीजों का सहारा लेना पड़ता है लोग चैट जी पे जाते हैं या किसी एक एक्सपीरियंस मशीन लर्नर से पूछ लेते हैं कि भाई क्या ये ऐसा हो सकता है अब मेरे जैसा बंदा बिल्कुल कहेगा हाँ पॉसिबल है मैंने इसको क्लेम भी किया हुआ है देर आर मैनी मैथड्स जिससे आप इसको परफॉर्म करके देख भी सकते हैं लेकिन इसका आंसर जो है ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस चीज का आंसर ये है कि इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन पे डिपेंड करता है कि बूस्टिंग एल्गोरिथम्स या बैगिंग के एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क से या नहीं न्यूरल नेटवर्क क्या है वो डीप लर्निंग की टेक्निक है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग डेज सो ये क्वेश्चन अभी से इस वजह से क्यूरोसिटी आप में जगाने के लिए है ताकि आप पढ़ें जाके चेक करें कि भाई न्यूरल नेटवर्क है क्या क्या बला है ये न्यूरल नेटवर्क्स और कैसे यूज़ हो रहे हैं कौन ए आई के एप्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहा है एंड हाउ दे परफॉर्म तो जब आप ये क्यूरोसिटी के साथ सर्च करेंगे आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे जिससे आपकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी इसी वजह से यह क्वेश्चन यहां पर रखा गया है सो so, तीन किस्म की चीजें मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व नेचर ऑफ द डेटा एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है अब बोथ हैव देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड देयर इफेक्टिवनेस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हर एक सिनेरियो में दोनों के दोनों अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं एक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एक गलत भी परफॉर्म कर सकता है लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बूस्टिंग एल्गोरिथम्स ठीक है इनकी स्ट्रेंथ क्या है ये एफिशिएंट होते हैं विद स्ट्रक्चर डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो रोज एंड कॉलम्स की बेस पे आपके सामने आता है ये उसके साथ डील करने में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है स्ट्रक्चर डेटा के साथ डील करने में ठीक है यानी कि एक्सेल का डेटा और ऐसा डेटा जो अच्छे से आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर हो यानी कि सी की फाइल्स आपके पास एक्सेल की शीट्स या रोज एंड कॉलम्स का डेटा या पांडास डेटा फ्रेम्स का डेटा जो है ठीक है सो नॉन लीनियर रिलेशनशिप डेटा के अंदर अच्छे से ये फाइंड आउट कर सकता है सो बूस्टिंग एल्गोरिथम कैन वर्क एफिशेंटली ऑन स्ट्रक्चर डेटा दूसरी बात हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स हमारे पास काफ़ी ऐसे बूस्टिंग के एल्गोरिथम है जो हैंडलिंग कर सकते हैं so, मिसिंग है वैल्यूज को भी और आउटलायर्स को भी डील कर सकते हैं विद इन देयर एल्गोरिथम्स अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो पढ़ाते आए हैं जी प्री प्रोसेसिंग के अंदर मिसिंग वैल्यूज को भी डील करो आउटलायर्स को भी डील करो बिलीव मी ऐसे भी होते हैं कि आप मिसिंग वैल्यूज को डील ही नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू किसी का नाम है तो नाम तो नहीं ना किसी का हम डील कर सकते ठीक है या आपके पास मिसिंग वैल्यू एक ऐसी मिसिंग वैल्यू है जो आपको पास टाइम ही नहीं है उसको प्री प्रोसेस करने का आप डायरेक्टली एल्गोरिथम चलाना चाहते हैं यू कैन डू दैट एज वेल समाइम्स आउटलायर्स को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता आप आउटलायर समझते हैं कि ये जी इस हाथ का ये हिस्सा जो आउटलायर्स है आप इसको छोड़ते हैं बाकी डेटा को लेते हैं फिर आगे से आउटलायर आ जाता है फिर आ जाता है फिर आ जाता है देन यू कैन यूटिलाइज दिस टेक्निक टू एक्चुअली हैंडल द मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स क्योंकि ये एल्गोरिथम्स रोबस्ट होते हैं अगेंस्ट द आउटलायर्स एज वेल टू डील विद द आउटलायर्स फिर इंटरप्रेटेबिलिटी की बात करें मॉडल्स लाइक एक्सी बूस्ट एंड आर ऑफन मोर इंटरप्रेटेबल देन डीप न्यूरल नेटवर्क्स कैन प्रोवाइड इन साइट्स इन टू फीचर इंपॉर्टेंस अब आपके फीचर सिलेक्शन के अंदर या फीचर इंपॉर्टेंस के अंदर लाइट जीबीएम और एक्स जी बूस अच्छा काम कर देते हैं और न्यूरल नेटवर्क को पता ही नहीं होता है आप इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते ठीक है एंड देन लेस डेटा रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना मैं इसमें इंफोसाइज कर लूं कम मैं आपके बूस्टिंग एल्गोरिथम कैन इवन परफॉर्म वेल विद रेलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रेलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्या है अगर आपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है ना तो आपके पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए रैंडम फॉरेस्ट हो गया बैगिंग के एल्गोरिथम हो गए बूस्टिंग के एल्गोरिथम्स हो गए ये एल्गोरिथम रिलेटिवली स्मॉल डेटा पे भी काम कर लेते हैं यू डोंट नीड टू हैव लाइक हैव दी बीज ऑफ डेटा ठीक है जी बीज ऑफ डेटा नहीं आपको चाहिए होता आपका थोड़े से डेटा सेट के साथ भी काम चल जाता है एंड देन यू कैन ट्रेन द मॉडल और वो अच्छा एक्यूरेटली परफॉर्म भी करते हैं और काफी ज्यादा रिसर्चर्स ऐसे हैं जिनके पास डेटा बहुत ही कम होता है सो कीपिंग इन माइंड आपके पास ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं एफिशिएंसी ऑफ विद एफिसियर डेटा हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड इंटरप्रेटेबिलिटी एंड लेस डेटा रिक्वायरमेंट जो बूस्टिंग एल्गोरिथम्स की स्ट्रेंथ्स में आते हैं देन हमारे पास बूस्टिंग एल्गोरिथम की वीकनेसेस भी हैं यानी कि स्केलिंग टू लार्ज डेटा सेट इसकी एक वीकनेस है फॉर एग्जाम्पल वाइल एफिशियट दे कैन स्ट्रगल विद एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट जो एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट है ना ये उनके साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते बूस्टिंग एल्गोरिथम When to the of मिसाल के पे, आपके पास डेटा सेट है हाफ अ मिलियन रोज का जब आप बूस्टिंग एल्गोरिथम उस पर रन करते हैं ना तो वो पहले हाफ अ मिलियन रोज एक डिसीजन ट्री में जाएंगी फिर दूसरे में फिर तीसरे में अक्सर औकात आपको एरर वार्निंग आ जाती है कि आपकी मेमोरी ही नहीं है सफिशेंट मतलब आप रन ही नहीं कर सकते ऑन दी अदर साइड न्यूरल नेटवर्क जो हैं आप पैरल वे में चला सकते हैं यानी कि एक आपका बूस्टिंग यहाँ पर एक एक आपका नेटवर्क यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे चौथा यहाँ पे पांचवा पा यहाँ पे आप सी की सारी कोर्स को यूज़ कर सकते हैं यानी कि पैरल प्रोसेसिंग कर सकते हैं यानी कि जो काम आप एक दफ़ा यानी कि एक ही लाइन में करेंगे उसके लिए आपको फॉर एग्जाम्पल अगर दस घंटे लगते हैं अगर आपके पास आपके दस कोर्स ऑफ सी आप यूज़ करके उन दस घंटों को एक घंटे में काम को निपटा सकते हैं ठीक है सो न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपका डेटा जो है उसको लार्ज डेटा को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे लेकिन जो बूस्टिंग एल्गोरिथम है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी देन हैंडलिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर डेटा बूस्टिंग एल्गोरिथम टिपिकली अंडर परफॉर्म्स ऑन अनस्ट्रक्चर डेटा लाइक इमेजेस एंड टेक्स्ट वेयर न्यूरल नेटवर्क एक्सेल सो अगर आपका अनस्ट्रक्चर डेटा लाइक इमेजेस का डेटा है आपने कंप्यूटर विजन का डेटा दिया है आपके पास वीडियोज़ का डेटा है आपके पास कोई भी ऑडियो का डेटा है आपके पास टेक्स्ट का डेटा है बूस्टिंग एलगोरेथम विल नॉट परफॉर्म वेल ऑन दोज काइंड ऑफ डेटा सेट्स ठीक है न्यूरल नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करेगा इसका मतलब है एक्सेल की शीट के डेटा पे अगर आपने रन करना है यू कैन गो विद बूस्टिंग एल्गोरिथम्स अगर डेटा आपका छोटा है अगर मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन रोज हैं देन डोंट गो विद दैट अगर आपके पास मशीन हल्की है जस्ट ट्राई न्यूरल नेटवर्क्स ठीक है सो ये कुछ वीकनेसेस हैं एक की और कुछ दूसरे की स्ट्रेंथ्स हैं अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें जस्ट टू टेल यू इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है ये एक्सलेंट हैं विद अनस्ट्रक्चर डेटा जारी बात है इमेज़ का ऑडियोज़ का डेटा ये स्केलेबिलिटी पे काम करते हैं यानी कि यू कैन यूज़ लार्ज डेटा सेट्स और उससे सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सी पोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टबिलिटी यानी कि अगर आपका न्यूरल नेटवर्क कहीं पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो अडेप्ट भी करेगा डेटा सेट के अकॉर्डिंगली और आपके वेटिस वेट्स को एडजस्ट भी करेगा एंड देन दे कैन परफॉर्म अ लॉर ऑफ अदर टास्क लाइक क्लासिफिकेशन रिग्रेशन री इन्फोर्समेंट लर्निंग एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स इन न्यूरल नेटवर्क सो इनकी स्ट्रेंथ्स में क्या है अनस्ट्रिक्च डेटा स्केलेबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडेप्टबिलिटी अब अगर बात की जाए न्यूरल नेटवर्कस की वीकनेसिस की जहरी बात है अगर किसी चीज़ की कोई स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस भी हैं सो so, इनको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है फिर इनको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है और खास तौर पे न्यूरल नेटवर्क्स आर सीन एज ब्लैक बॉक्सेस ड्यू टू देयर कंप्लेक्सिटी मेकिंग देम लेस इंटरप्रेटेबल ठीक है लोग बता ही नहीं सकते कि किस स्टेप में क्या हुआ था किस स्टेप में क्या हुआ था किस स्टेप में क्या हुआ था से फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड ऑफ न्यूरोन आपके चल रहे हैं जो हम पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों में So, आप हजार के हज़ार को तो नहीं ना इंटरप्रेट कर सकते यू कैन जस्ट टेल अबाउट द ट्रेंड इनको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है कदरे एज़ कम्पेयर टू बूस्टिंग और बैगिंग ख्याल करें तो कंप्यूटेशनल क्यों रिसोर्सेज ऑब्वियसली जब आपने न्यूरल नेटवर्क को चलाना है इसका मतलब है कंप्यूटर के दिमाग को चलाना है तो आपको एनर्जी भी उतनी चाहिए ठीक है ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क कैन भी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अब आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर डेटा पे बूस्टिंग एल्गोरिथम अच्छा काम करते हैं अनस्ट्रक्चर पे न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटेशन की बात है तो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो अगर आपके पास कम भी कंप्यूटेशन है तो अच्छा काम कर देंगे लेकिन ग्रेडियन बूस्टिंग के लिए अगर बड़ा डेटा सेट है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा एंड द सेम विद द अदर थिंग्स लेकिन देर इज अ बट साफ वो बट ये कहते हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा कैन बूस्टिंग एल्गोरिथम्स बी बेटर देन न्यूरल नेटवर्क ये हमारा क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन का अगर कॉन्टेक्चुअल आंसर देखें ना तो वो ये बनता है सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की स्पेसिफिसिटी का पता होना चाहिए ठीक है अगर आप इमेज रिकग्नेशन के लिए काम कर रहे हैं देन न्यूरल नेटवर्क्स आर बेटर अगर आप टेबुलर डेटा यानी कि स्ट्रक्चर डेटा पे बात कर रहे हैं प्रोडिक्शन टास्क के लिए देन बूस्टिंग एलगोरिथम मे बी मोर इफेक्टिव सो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग प्रॉब्लम ठीक है देन रिसोर्स अवेलेबिलिटी अगर आपके पास कंप्यूटर बहुत हैवी है तो आप न्यूरल नेटवर्क को भी यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर हैवी नहीं है सिंपल सा कंप्यूटर है देन यू कैन गो विद द बूस्टिंग एलगोरेथम्स एक्यूरेसी तकरीबन पास पास ही रहेगी डेटा अवेलेबिलिटी द अमाउंट एंड टाइप ऑफ डेटा यू हैव कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द चॉइस फॉर एक्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए अगर डेटा आपके पास ज्यादा नहीं है कम है डोंट गो विद द न्यूरल नेटवर्क जस्ट चूज़ बूस्टिंग एलगोरेथम्स फिर मॉडल इंटरप्रेटिलिटी अगर आपके फील्ड के अंदर ज़रूरी है कि आप मॉडल को भी इंटरप्रेट करें और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर और फाइनेंस के अंदर कि हमने किस तरीके से अपना मॉडल ट्रेन किया और कौन कौन से पैरामीटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है किसको कम दी है देन गो विद लेस गो विद दोज मॉडल्स जो बूस्टिंग के एलगोरिथम्स है जिनको इंटरप्रेटल करना बहुत आसान है और बहुत एडवांटेजेज हो सकता है न्यूरल नेटवर्क एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करेंगे सो एट दी एंड आई विल जस्ट गिव यू माई वर्डिक्टर वर्डिक्ट मेरा क्या है कैन बूस्टिंग एल्गोरिथम भी बेटर नेटवर्क इट्स नॉट अबाउट वन बींग यूनिवर्सली बेटर देन द अदर ये बात ही नहीं है कि एक अच्छे से एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं एक्चुअली इट्स अबाउट चूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ अगर आपको राइट टूल फॉर द जॉब का नहीं ना पता तो आपका काम खराब हो जाएगा मिसाल के तौर पे अगर एक दर्जी कपड़ा काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल करेगा इंस्टेड ऑफ कैंची या सीजर्स तो वह फिर बैठा ही रहेगा कपड़े ख़राब ही करता रहेगा कभी जंग लग जाएगा कभी कुछ तो उसको भी पता है अगर मैंने काटना है कपड़े को तो मुझे कैंची यूज़ करने पड़ेगी ठीक है ऑन दी अदर साइड अगर एक सब्ज़ी काटने के लिए आप कैंची यूज़ करना स्टार्ट कर दें खासतौर पर गोभी काटने के लिए सो इट वुड बी डिफरेंट फॉर यू ठीक है ऑन दी अदर साइड एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जस्ट इमेजन आप हिजाम की दुकान पर गए हैं और आपने बाल कटवाने हैं और वो गंडासा लेके बैठा हुआ है ठीक है गंडासा बाय द वे एनिमल मूवी के अंदर भी है अगर वही अर्जन वेली वाली गंडासी लेके आ जाए और उससे बाल काटने लग जाए जस्ट इमेजिन के आप फिर बाल तो कट गए ना भाई फिर तो बाल के साथ और भी सर भी कट जाएगा सो बिलीव मी राइट टूल फॉर द राइट जॉब इज ऑलवेज गुड द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क द नेचर ऑफ द डेटा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ़ द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द डिज़ायर आउटकम आपको चाहिए क्या Often the best approach might even be hybrid one, leveraging the strength of both boosting algorithms and neural networks. ठीक है मतलब एक दूसरे से बेहतर नहीं है अगर एक बेहतर है तो दूसरा भी बेहतर है किसी और कामों के लिए सारे की सारी पाँचों की पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है अगर अंगूठा है तो इसका कोई और काम है बाकी उंगलियों का कोई और काम है सो एवरीथिंग मैटर्स अगर आप इन सभी को इकट्ठा यूज करें दैट इज मच बेटर देन राइटिंग विद टू फिंगर्स अगर कोई बंदा इन सिर्फ दो उंगलियों से लिखना चाहे वो लिख तो सकता है लेकिन इन पांचों की ग्रिप जो है वो लिखने में स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू दीज टू फिंगर्स सो यूनियन इज स्ट्रेंथ वही इतफाक में बरकत है अगर आप इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल यूज़ करें यानी कि बूस्टिंग पहले यूज़ करें किसी टास्क के लिए और किसी टास्क के लिए उसी के अंदर ही अगर आप न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर लें दैट इज मच बेटर अप्रोच बट इट कम्स विद द रिसोसेज इट कम्स विद द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग द मॉडल एंड ऑल्सो द कंप्यूटेशनल कैपेसिटीज़। इट्स अप टू यू आप इसे कैसा यूज करते हैं होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि कैन बूस्टिंग एल्गोरिथम बी बेटर देन न्यूरल नेटवर्क्स। समझ आ गई है आप समझे पक्की बात है सोच लें समझ गए तो यार एक लाइक बनता है ठीक है अगर आप लाइक करेंगे बिलीव मी दिल भाग भाग हो जाएगा गार्डन गार्डन हो जाएगा ठीक है लेट्स सी आप कितने लाइक देते हैं